हेलो एंड वेलकम टू भंडारीज कार स्टाइल। आज हमारे पास है टाटा हैरियर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट ऑडियो अपग्रेड किया है। ये गाड़ी में हम लोगों ने फ्रंट में लेजेंड सीरीज़ के कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं, रियर में वापस लेजेंड सीरीज़ के कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। इनको पावर किया गया है ML पावर 5 करके एम्पलीफायर आता है, हर्ट्स का टॉप मोस्ट एम्पलीफायर आता है, इसे पावर किया है हमने कंप्लीट चार कंपोनेंट्स को। और ये वूफर को, ये हर्ट्स का मिले प्रो सीरीज़ का वूफर आता है, ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। एंड इन सबको पावर करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है ऑडिसन का बिट वन प्रोसेसर। प्रोसेसर का जो मेन यूज जो होता है, आप हर एक स्पीकर, हर एक ट्वीटर जो है आपके हिसाब से ट्यून कर सकते हो गाड़ी में। जो वूफर का फ्रीक्वेंसी होता है, बेस रिस्पॉन्स होता है, वो कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। प्रोसेसर बहुत यूज़फुल होता है ये सब चीज़ों के लिए। एडिशनली हमने ये गाड़ी में ना कंप्लीट एम्बियंट लाइटिंग इंस्टॉल किया है। ये टोटल ऐप कंट्रोल्ड एम्बियंट लाइट है, ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 शेड्स आते हैं। ये कोई लोकल एम्बियंट लाइट नहीं है, ये इम्पोर्टेड एम्बियंट लाइटिंग आता है। हमने ये गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल HID आता है प्रोजेक्टर में। हमने इसमें हाई बीम में LED इंस्टॉल किया है, लो बीम में फॉगलेट प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया है। इसका मेन बेनिफिट क्या है कि हैरियर में विजिबिलिटी का बहुत इशू आता है नाइट ड्राइविंग के टाइम पे, तो फॉगलेट प्रोजेक्टर लगाने से इसमें हाई बीम लो बीम दोनों आता है। और ये HID प्रोजेक्टर है तो इसका थ्रो इंटेंसिटी बहुत अच्छे इसका आता है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि हाई बीम करने से क्या इफेक्ट आता है। हाई बीम कीजिए तो जैसे कि आप देख सक रहे हो, ये फॉग लाइट भी और ये हेडलाइट दोनों चीज़ हाई बीम में चल रही है। अभी लो बीम करना, हाई बीम। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कार ऑल द वे दांडेली से आई हुई है हमारे पास। दो दिन कार कंप्लीट हमारे साथ में थी। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट साउंड प्रूफिंग किया है, रूफ फ्लोर डोर्स कंप्लीट सब जगह पे डैम्पिंग किया हुआ है। ये गाड़ी में डॉक्टर आर्टेक्स ब्रांड का डैम्पिंग यूज़ किया हुआ है। जब कोई भी दूर से आते हैं हमारे पास में, हमारा कंप्लीट ये रहता है कि आपको कम से कम टाइम में और अच्छे प्राइसिंग में हर एक चीज़ हम लोग इंस्टॉलेशन करवा के दे सके। आइए जानते हैं कि आपको काम कैसा लगा है, कस्टमर से बात करते हैं। सर हेलो सर, सो कैसा लगा आपको काम? आप दो दिन हमारे साथ में थे कंप्लीट। सर बहुत अच्छा लगा सर काम तो आपका। बट मैं कर्नाटक दांडेली से आया हूँ। मैं इधर एक्चुअली इनका यूट्यूब में वीडियो देख के ऑडिसन का मैं फ़ैन हो गया था। उसका ऑडिसन कंपनी का मैं भी फिट करने का ये हुआ। बट इधर आने के बाद ऑडिसन और प्लस हर्ट्स कंपनी का जो गौरव भाई ने मेरे को सजेशन करके पूरा ऐसा बनाएंगे करके उनके ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। दो दिन तो इनके साथ ही मैं था। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका सर्विस और फिटिंग वीटिंग सब अच्छा लगा। कपलर टू कपलर फिटिंग है, कौन सा भी वारंटी का इशू नहीं है। और मेन बोले तो इनका वर्कर्स तो बहुत प्रॉम्प्ट है और वर्क भी उनका नीट एंड क्लीन है। बस आप कुछ आपके फ्रेंड्स के लिए बोलना चाहेंगे कन्नड़ में? 100% सर। मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा ये करता हूँ बट कन्नड़ में बोल सकता हूँ। यस सर। नमस्कार स्नेहितरे, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು। ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ। ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಎಂಡ್ವರೆಗೇನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಂಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಸನ್ ಕಂಪನಿದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು। ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು। ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಬರ್ರಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಸಲ, ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಆಶಾ ಕರುತ್ತೆ ಆಪ್ ಜಲ್ದಿ ವಾಪಸ್ ಆಯಂಗೆ ಹಮಾರೇ ಬಸ್। ಯೆಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।